मेरा व्लॉगर बनने के बाद का ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सिडनी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और हम जा रहे हैं अपनी अगली यात्रा पे। आपको मैं थोड़ा एयरपोर्ट भी दिखा देता हूँ। एयरलाइन क्रू है किसी एयरलाइन का। ये है हमारा सिडनी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से हमारी अगली यात्रा का आरंभ करने। सो अगले कुछ दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम जा रहे हैं साउथ कोरिया। तो ये मेरा व्लॉगर बनने के बाद का ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप है और आपको पता है जहाँ हम जाएंगे वहाँ हम आपको भी साथ ले जाएंगे और देखते हैं फिर आपको साउथ कोरिया कैसा लगता है, मेरी आंखों से कैसा लगता है। ठीक है दोस्तों, और एक बात, आप मेरे चैनल पे नए हो या साउथ कोरिया भी घूमना चाहते हो, चले मेरे साथ। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, आज एयरपोर्ट बहुत बिजी है, बहुत बड़ी क्यू है, आप देख सकते हो। माय गुडनेस, एक और बात भी है, अभी ये सिडनी में सुबह के 8:30-9 बजे है, पूरी रात बारिश चली थी, अब भी बारिश चालू है। इस बार की एक इंटरेस्टिंग बात बता दो, ये जो मैं सोल की साउथ कोरिया की ट्रिप प्लान की है उसमें मैंने सही में कुछ प्लान नहीं किया है। सामान्यतः जब हम कहीं भी जाते हैं तो गूगल से पूछते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बटोरते हैं फिर जाते हैं। इस बार हम चले हैं ना गूगल को पूछा है ना किसी और से इन्फॉर्मेशन ली है ज्यादा, बट हम चले हैं चैट जीपीटी के सहारे। मेरी पूरी ट्रिप चैट जीपीटी ने प्लान की है, तो बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बट मैं जा रहा हूँ और जहाँ मैं जा रहा हूँ आप लोग मेरे साथ चलोगे। देखते हैं क्या मिलता है देखने को, कुछ अच्छा मिलेगा तो शेयर करेंगे। इतनी सारी भीड़ देख के मुझे एक बात याद आई, तो सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। बताने की जरूरत नहीं है किसकी लाइनें हैं, अगर नहीं पता तो गूगल कर लेना, बट बहुत प्यारी और अभी ये भीड़ में मुझे अच्छी लगी तो मैंने टिका दी यहाँ पे। अब हम जाते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस में। सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद मैं आपको फिर से मिलता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस में ऑब्वियसली हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। स्वागत है एक बार फिर से, हम एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक करा के अंदर आ गए हैं, अब हम ढूंढ रहे हैं गेट नंबर 50। चार्जिंग पॉइंट है, हम बैठ जाते हैं चार्ज करने। चलो, हमारे गेट तक पहुंच गए, अब अच्छी सी जगह देख के बैठ गए हैं। यहाँ हम जो कुछ भी रिमेनिंग चार्जिंग थिंग है वो चार्ज कर रहे हैं और खाना खा लिया। आप लोगों को बता दो अगर जिसको पता ना हो इसको एक बार फिर से, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि मैं अक्सर बाहर कम खाता हूँ, जहाँ तक हो सके अवॉइड करता हूँ, इसलिए मेरा खाना मेरे साथ ही चलता है। मैं घर से ही खा के जाता हूँ या घर से खाना ला के आता हूँ और खाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से मैं हॉट चॉकलेट या चाय ले लेता हूँ और मेरा जो लाया हुआ खाना होता है उसके साथ में खा लेता हूँ, और कुछ नहीं। आपसे एक बार फिर विदा लेता हूँ, अब मैं प्लेन के अंदर जाके ही आपको अंदर की बातें, अंदर का नज़ारा, अंदर क्या होता है वो दिखाऊँगा। एक बात और बता दूँ, ये मैं ऑस्ट्रेलिया से जा रहा हूँ, आप सबको पता है मेरा बेस ऑस्ट्रेलिया है, तो सिडनी से मैं जा रहा हूँ कोरिया। मैं पैसों की या टिकट की बातें कम करूँगा क्योंकि ये डिपेंड करता है आप कब टिकट लेते हो एयरप्लेन की, आप कैसे ट्रैवल पसंद करते हो। वैसे मैंने ये बजट एयरलाइंस प्रीफर की है और कैरी ऑन लगेज ही है मेरे पास, चेक इन लगेज कुछ नहीं है। तो जो कुछ भी आप मेरे पर देख रहे थे, एक छोटा सा बैग है और एक छोटा सा थैला है, सिर्फ वही मैं ले जा रहा हूँ। अंदर खाना कैसा मिलेगा नहीं पता, संभवतः नहीं ही मिलेगा, अगर कुछ मिलेगा तब भी मेरे खाने जैसा कुछ नहीं होगा। और बाकी आगे इंचोन एयरपोर्ट पे मुझे उतरना है सोल में, सो प्लेन में क्या होता है, इंचोन एयरपोर्ट पे क्या होता है, अंदर जाके क्या होता है, मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कॉमेंट तो बिल्कुल करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बाद में।